अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आओ भाई, आप दोनों किधर गायब थे? अरे हम तो यूनियन काउंसिल की तरक्कियाती मंसूबा साजी की तरबियत लेने गए थे, जिसमें हमने यूनियन काउंसिल का तरक्कियाती मंसूबा बनाना सीखा है। भाई इसमें सीखने वाली क्या बात थी, हम सब इसी कमरे में बैठे यूनियन काउंसिल का तरक्कियाती मंसूबा बना लेते हैं। अरे नहीं नहीं सलमान साहब, यूनियन काउंसिल का तरक्कियाती मंसूबा ऐसे नहीं बनता। साजिदा ठीक कहती है, सबसे पहले हमें गाँव का तरक्कियाती मंसूबा बनाना पड़ता है। यूनियन काउंसिल के सारे गाँव का तरक्कियाती मंसूबा मिलकर पूरी यूनियन काउंसिल का तरक्कियाती मंसूबा बनता है। अच्छा, वो कैसे? गाँव का तरक्कियाती मंसूबा बनाने के लिए इलाके में मौजूद अफराद का जायजा लिया जाता है और इससे इलाके के लोगों की गुर्बत और मसाइल का पता चलता है। देखिए, इस कमरे में बैठकर तो हो सकता है कि हमें चंद मसाइल या कुछ लोगों का इल्म हो, लेकिन हर गांव के किसानों, मजदूरों, खवातीन, बच्चों और दीगर तबकात की आमदनी और इनके समाजी और माशी मसाइल फर्क हो सकते हैं। जी बिल्कुल, समाजी मसाइल में पीने के पानी का ना होना, सफाई का निजाम ना होना और मौशी मसाइल जैसे कि रोजगार का ना होना, कारोबारी मवाके ना होना, अखराजात आमदनी से ज्यादा होना वगैरह शामिल है। तो नासिर साहब, फिर इन सब के समाजी और मुआशी मसाइल मालूम करने के लिए क्या करना चाहिए? देखिए, इन सब तबकात में से सबसे पहले चंद अफराद को इकट्ठा करके एक इजलास करना होगा, जिनमें ये सब अपने अपने मसाइल बताएंगे। और हमें ये भी देखना होगा कि इन समाजी और मुआशी मसाइल में किन को फौरी तौर पर हल करने की जरूरत है। नासिर साहब, इसके अलावा और क्या क्या करना होगा जिससे हमारी यूनियन काउंसिल का हर गांव तरक्की करे? देखिए साइमा, हमें जब ये पता चल जाए कि कौन से समाजी और मुआशी मसाइल अहम और फौरी हल तलब हैं, तो फिर हम इनके हल के लिए वसाइल इकट्ठे करेंगे। भाई वसाइल इकट्ठे क्या करने हैं? जाहिर है सब कुछ किसी हकूमती या गैर हकूमती इदारे की तरफ से इमदाद के तौर पर ही आएगा ना, और क्या? नहीं सलमान साहब, वसाइल की 5 इकसाम होती हैं। सिर्फ पैसे ही वसाइल नहीं होते। अच्छा, तो वसाइल की कौन कौन सी अकसाम होती हैं? वसाइल में भाई इंसानी वसाइल, माली वसाइल, समाजी वसाइल, मादी वसाइल और मालूमाती वसाइल शामिल होते हैं। जी सुलेमान साहब बिल्कुल, फिर हमें ये देखना होगा कि कौन से वसाइल हमारे पास मौजूद हैं और कौन से हमें दरकार हैं। जो वसाइल दरकार हों उनके लिए हमें सरकारी, गैर सरकारी और तरक्याती इदारों की फहरिस्त बनानी होगी जहाँ से हमें वो वसाइल मिल सकते हैं। इसके बाद हमें इन मसाइल के हल के लिए काम करने होंगे जिनसे ये मसाइल हल हो सकें, और देखना होगा कि इन सब के लिए कितना वक्त चाहिए और कितना अरसा लगेगा, हमें ये सब भी तय करना होगा। बिल्कुल सही। तो अब ये बताएं कि जब सब गांव के मंसूबे तैयार हो जाएंगे तो इनसे यूनियन काउंसिल का मंसूबा कैसे बनेगा? देखिए साइमा, इसके बाद हम इन तमाम गांव के मंसूबों की मालूमात में से मुश्तरका मालूमात को यूनियन काउंसिल के मंसूबा के लिए इस्तेमाल करेंगे, और इसमें तमाम गांव के मुश्तरका मसाइल ही हमारी यूनियन काउंसिल के मसाइल होंगे और तमाम गांव के मुश्तरका वसाइल ही हमारी यूनियन काउंसिल के वसाइल भी होंगे। भाई बहुत खूब। जी हाँ बिल्कुल, इन वसाइल को इस्तेमाल करके ही हमारे सारे मसाइल हल हो जाएंगे, जिससे गांव की सतह पर भी तरक्की होगी और यूनियन काउंसिल की सतह पर भी तरक्की होगी। इसीलिए तो जो तरबियत हमने हासिल की थी उसका नाम था तरक्की का सफर, यूनियन काउंसिल से घर तक।